भगवान श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सत्यत्व का वर्णन किया, जय श्री राम गीत लिखा, शिवोहम लिखा, राम से आराम लिखा और सनातन का परचम लहराया, माताओं बहनों के लिए अनेकों बार दिल को छूने वाली कविताएं लिखी और पढ़ी, 4000 पंक्तियों के संवाद में 5 पंक्तियों पर भावनाएं आहत हुई तो उन्हें सनातन विरोधी बताया गया, इसीलिए भावुक होते हुए कर दिया बड़ा ऐलान और कह दिया आपकी भावनाओं से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। मनोज मुंतशिर शुक्ला जब लिखते हैं तेरी मिट्टी तो पूरा देश झूमता है और गुणगान करता है, जब लिखते हैं राम सिया राम तो सब भक्ति भाव में डूब जाते हैं, वो जब लिखते हैं जियो तिवारी जनेऊधारी तो सब फक्र महसूस करते हैं, लेकिन जब फिल्म आज पुरुष में वो लिखते हैं कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, तब शुरू होता है इस पर विवाद और मनोज मुंतशिर को लोग टारगेट करते हैं। दरअसल ये विवाद इसलिए इतना बढ़ता है क्योंकि भाषाई मर्यादा को लांघा गया, इसीलिए विरोध में वो लोग भी उतर आए जो मनोज मुंतशिर के साथ हमेशा खड़े रहे। यही वजह है कि मनोज को समझ आया कि 4000 पंक्तियों के संवाद में 5 पंक्तियों पर अगर भावनाएं आहत हुई हैं और अपने ही लोग उनके विरोध में उतर आए हैं तो उन्होंने बेहद शालीनता से एक पोस्ट लिखा और बता दिया कि अपनों की भावनाओं से बढ़कर और कुछ नहीं, इसीलिए सनातन के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, इसीलिए जो डायलॉग लोगों को पसंद नहीं उन्हें बदल दिया जाएगा। मनोज मुंतशिर ने भावुक होते हुए एक ट्वीट किया और संवाद के बदले जाने को लेकर जानकारी दी और भावुक होते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, राम कथा से पहला पाठ जो कुछ सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना, सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे, 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई, उन सैकड़ों पंक्तियों में जहाँ श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सत्यत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली, मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने ही मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया, मैं सोचता रहा मतभेद तो हो सकता है लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे, शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे, हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ अपनी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोह लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की मैं जान नहीं पाया, क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिहोम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना, आज पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी मेरी ही लेखनी से जन्मी है, तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप मेरे अपने थे हैं और रहेंगे, हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा, हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। मनोज ने ये पोस्ट लिखते हुए बता दिया कि हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोह लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की मैं जान नहीं पाया, ये मनोज मुंतशिर सवाल पूछते हैं। वहीं इसके आगे भी मनोज मुंतशिर ने लिखा है और बताया है कि उन्होंने आखिर ये पोस्ट क्यों लिखी है, ये पोस्ट क्यों, क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़ के और कुछ नहीं है, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे, श्री राम आप सब पर कृपा करें। तो मनोज मुंतशिर ने यह साफ कर दिया है कि जिन डायलॉग्स से दर्शकों को दिक्कत हुई है उन्हें हटा दिया जाएगा और इसी हफ्ते से ये लागू कर दिया जाएगा और नए डायलॉग्स डब किए जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि नए संवाद आने के बाद आज पुरुष पर विवाद कब खत्म होता है और फिल्म कितनी कमाई करती है।